छह क्रिकेटर्स जिनकी मौत मैदान पर लगी चोट के कारण हुई। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, कौन से पल में क्या हो जाए कोई भी नहीं सकता। यह खेल जितना लोगों का मनोरंजन करवाता है उतना ही खतरनाक मैदान में मौजूद खिलाड़ियों के लिए भी है। यह खेल कई दिग्गज क्रिकेटरों की जान भी ले चुका है। क्रिकेट में समय के साथ साथ बल्लेबाजों और फील्डरों की सुरक्षा के लिए नए नए उपकरण आते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद विभिन्न कारणों से मैदान पर चोट लगने के कारण खिलाड़ियों की मौत का सिलसिला जारी है। ऐसे मामले विभिन्न देशों में घरेलू क्रिकेट के अलावा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी सामने आते रहे हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसे क्रिकेटर्स पर जिनकी मौत मैदान में लगी चोट के चलते हुई। फिलिप ह्यूज, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इस बल्लेबाज को शॉन बट की बॉल सर पे लगने से चोट लगी। यह मैच साउथ ऑस्ट्रेलिया और न्यू साउथ वेल्स के बीच खेला जा रहा था। बॉल लगने से उनके सर की हड्डी टूट गई और इससे उनके दिमाग में काफी खून का बहाव हुआ। उनको इसके बाद सिडनी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद उनकी मौत हो गई। उनकी मौत से क्रिकेट जगत को एक बड़ा झटका लगा। डेरियन रैंडाल, दक्षिण अफ्रीका। रैंडाल का निधन 32 वर्ष की अवस्था में 2013 में घरेलू टूर्नामेंट के दौरान बल्लेबाजी करते हुए गेंद लगने से हुई। पुल शॉट लगाने की कोशिश करते हुए गेंद रैंडाल के सिर में लगी और वे वहीं ढेर हो गए। रैंडाल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जल्द ही उनकी मौत हो गई। रमन लांबा, भारत। भारत के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रमन लांबा को बांग्लादेश में क्लब क्रिकेट के दौरान फील्डिंग करते वक्त चोट लगी थी। वे ढाका में हुए मैच में फॉरवर्ड शॉर्ट लेग पर फील्डिंग करते समय चोटिल हुई थे। वे 3 दिनों तक कोमा में रहे और उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। लांबा की उम्र उस समय 38 साल थी। जुल्फिकार भट्टी, पाकिस्तान। जुल्फिकार को 2013 में एक घरेलू मैच के दौरान बल्लेबाजी करते हुए गए सीने पर लगी और वे गिर गए। खिलाड़ी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ए जेंकिंस, यह शायद क्रिकेट इतिहास का सबसे अजीब एक्सीडेंट हो सकता है। अंपायर ए जेंकिंस 72 साल की उम्र में स्वांसी और लैंगेनेच के बीच चल रहे मैच में अंपायर थे। उन्हें एक फील्डर की थ्रो लगी और इसी कारण हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हुई। विल्प्स लैक, इंग्लैंड। विल्प्स लैक इंग्लिश खिलाड़ी थे जो अपने देश के लिए 3 टेस्ट और 2 वनडे खेले। वो उल्टे हाथ से खेलने वाले बल्लेबाज थे। 15 जनवरी 1989 को जाम्बिया के लिए खेलते हुए उन्हें हार्ट अटैक आया और उनकी मृत्यु हुई।